नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लॉरेंस किस्कू। आप सभी का स्वागत करता हूं किस्कू ऑनलाइन हेल्प चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने 10वीं के रिजल्ट झारखंड बोर्ड के किस तरह और कैसे और कहां पर चेक कर सकते हैं। अभी रिजल्ट का अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, अभी रिजल्ट कहा गया है कि जून के पहले सप्ताह तक आ सकता है। तो इस वीडियो पर हम आपको यही बताएंगे कि कब आएगा, कैसे आप चेक कर सकते हैं, किन किन वेबसाइट पर इस रिजल्ट को अपडेट किया जाएगा। तो इस थोड़ा से छोटे से इंटरवल के बाद हम आपको आगे अपने स्क्रीन पर लेकर चलते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं सबसे पहले हमारा वीडियो देखने के लिए। जैसे कि आपको अपने स्क्रीन पर लेके आए हैं, यहाँ पे आप वापस वैसे ही क्रोम ब्राउज़र में जाइए। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आपको, ये देखिए क्या लिख रहे हैं हमने यहाँ पे, JHAR jharkhand.com। फिर यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा। जैसे देखो आप सर्च करते हो झारखंड jharupdate.com, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे, यहाँ पे देखिए बहुत सारे आपको दिखेंगे CBSE के रिजल्ट। तो यहाँ पे झारखंड का भी, इसलिए देखिए यहाँ पे झारखंड ऑफिशियल ये वेबसाइट बनाया गया है झारखंड की तरफ से, jharupdate.com। यहाँ दिख रहा है आपको ए न्यूज़ वे ऑफ झारखंड, मतलब ये झारखंड के जितने भी छोटे बड़े जो भी अपडेट आएंगे आपको, रिजल्ट हो या छोटे रिजल्ट से, जितने भी रिजल्ट से रिलेटेड जितने भी आपको क्वेश्चन होगा इस पर सब आपको आंसर मिल जाएगा। तो जैसे यहाँ पे देख रहे बोर्ड, आप देख रहे हैं यहाँ पे बोर्ड रिजल्ट, मतलब जितने भी यहाँ पे देखिए CBSE बोर्ड का और झारखंड बोर्ड का, JSE, ये सब आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो हम आपको ये देख रहे हैं यहाँ पे बोर्ड रिजल्ट 8वीं, 9वीं एंड 12वीं का घोषित कर दिया गया। तो इस जगह पे आपको 10वीं का भी यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह चेकिंग करने देखने का आपको आएगा। देखिए अभी झारखंड JSE 8वीं क्लास का रिजल्ट अभी आप चेक कर सकते हैं, 9वीं का भी चेक कर सकते हो, 12वीं का अभी आने वाला है फिलहाल। जब 10वीं का भी आ जाएगा तो यहाँ पे आपको 10वीं का भी दिखेगा। तो एक ये वेबसाइट हुआ, तो दूसरा वेबसाइट एक और है, तो आपको दूसरा वेबसाइट पता ही होगा, वो भी हम आपको दिखाते हैं। MyHONEST Honest Help .com/JSE, बस ये दूसरा वेबसाइट है, इस पर भी आपको रिजल्ट अपडेट हो सकता है। थोड़ा सा हमने गलती कर दिया, अब अच्छे से लिखते हैं इसमें, अच्छे से आप लिखिएगा बराबर से। देखिए MyHONEST Honest HELP honesthelp.com/JAC, ये देखिए आपको अपने आप आ जाएगा, फिर सर्च कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए ये भी वैसे ही है, 8वीं और 9वीं और 10वीं का आने वाला है। तो 10वीं का जो आने वाला है क्या अपडेट इन्होंने कहा है इस, तो यहाँ पे देखिए आपको क्या देखने मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे क्या कहा है, आपको बता दे कि मई में झारखंड में इलेक्शन है, मतलब झारखंड में इलेक्शन है, जिसके कारण से इस बार रिजल्ट थोड़ा लेट होगा। तो इसके लिए मैंने जो आप लोगों को डेट, मतलब डेट बताया है जून महीने में, तो जून महीने में लास्ट तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। मतलब समझ रहे हो, आप समझ गए, मतलब इस वेबसाइट पे क्या नाम है, www.jasc.nic.in, ये आप अपने स्क्रीन पे जो देख रहे हो, ये तो हमने पहले ही आपको बता दिया है। जैसे कि आपका एग्ज़ाम का टाइमिंग 5 मार्च को आपने एग्ज़ाम दिया था और 31 मार्च तक ख़त्म हो गया था, मई तक, मतलब अभी रिजल्ट थोड़ा लेट मतलब अपडेट होगा। बाद में आपको जब अपडेट होगा, जिस दिन रिजल्ट आएगा तो हम आपको बताएंगे। ये दो वेबसाइट पे आप चेक करते रहिएगा, जिस दिन रिजल्ट आएगा तो आप अपने से भी चेक कर सकते हैं, और नहीं तो हम आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से, अपने हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें तो ये नए नए जितने भी अभी 10वीं 12वीं के रिजल्ट नहीं आए, तो हम इसमें जितने भी अपडेट है तुरंत तुरंत आपको बताते रहेंगे। तो दोस्तों हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और लाइक कमेंट भी करें दोस्तों, इससे क्या होगा कि हमको आपका पता चलेगा कि आप हमारे वीडियो देखते हो। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताएं, जो इस 10वीं का रिजल्ट अभी अपडेट आने वाला है, फिलहाल कब आएगा, तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बता दिए कि अब रिजल्ट कब आएगा। तो अब ज़्यादा टेंशन चिंता लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस हमारे इस तरह आप हमारे अपडेट
वीडियो देखते रहिए।